की ज्योति अपनी जगह ठीक है, प्रवीण ठीक नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई वो तो ज्योति बताओगी, ज्योति अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक, इस तरह बढ़िया बात कोई ना बता सकती। मन तो अपनी बता ली जो बतानी है, ठीक है, और बाकी ज्योति बताओगी। हर आदमी की अलग सोच हुआ है, बेबेरा क्यों गलत कह रहे हैं कि मैं इतनी कैमरे पे आने लग रहा हूँ, इसलिए अगर मेरी जगह लड़की होती ना, वो कैमरे पे एक ही बार आ जाती बेशक, उसके बाद नहीं आती, तो उसको झूठा नहीं कह ला सकते थे वो, क्योंकि लड़की की ज्यादा चलती है आज के टाइम पे, ये सभी को पता है। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती ना, अभी तक सब कुछ सारे जो गलत भी होते उड़े भी वो सही हो जाती। अच्छा, ये रियलिटी आज का टाइम है, ये कानून ऐसा बना रखा भारत। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आदमी है उसकी कोई पूछताछ नहीं होती, लड़की की होती है। लड़की की होती है, आपको नहीं पता, थाने में सबको पता, प्रशासन को भी पता है, 100 में से कितने% सच्चाई केस आते हैं, पर थाने वाले सोचते हैं जितना कम्प्रोमाइज हो सके उतना कराए, वो भी मजबूर हो जाते हैं जब अगले बिल्कुल नहीं मानते ना, जब उनको आगे जाना पड़ता है, पर ना वे भी ये सोचते हैं कि यही पे सुलट जाए, सबको दिखता है कौन सच्चा है कौन गलत है, पर वे मजबूर है, वो कानून के हिसाब से चलते हैं, फिर क्या करें। तो अब प्रवीण भाई, अब जैसे आप बोल रहे हो पीछे जो एक पंचायत होने थे आपके गाँव में, वो हुई थी फिर? भाई पंचायत के आदमी इकट्ठे भी हुए थे, फिर वो नोटिस ही आ गया तो फिर फायदा क्या, फिर पंचायत ले जाने। तो पंचायत के जो आदमी इकट्ठे हुए थे उसमें क्या बातचीत हुई? उसमें यही बात थी भाई, पंचायत क्या कहती है, अब जिसकी गलती है चलो, अब गलती तो वो बताएंगे, सबको पता है, लड़की वाले कभी झुकते नहीं, क्योंकि 100% ये होता है वो नीचा नहीं देखना चाहते, क्योंकि लड़की है भाई, उसकी जगह अगर मैं भी हो ना तो मैं भी कभी नीचा नहीं देखना चाहूंगा। मैं तो फिर भी यही बात कह रहा हूँ, ठीक है, पर मैं बैठ के सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्हें कोई गिल्ला सिखवाना तो माफी भी मांग लेंगे, पर वो ये पंचायत जाएगी तो दोनों की गलती मनवाएगी वहां पे, यही तो होता है, इससे ऊपर क्या करेगी पंचायत भी। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, जिससे आप गलत, मतलब आप भी गलत और ज्योति भी, आप बोल रहे हैं उसकी भी गलती है, रात की भी गलती है भाई, ज्योति की गलती मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ, वो बगैर बताए चलेगी मेरे से उस दिन, और कोई गलती नहीं माना, क्योंकि वो प्रेशर में बहुत ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा प्रेशर है उस पे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला, आपकी क्या बात होती उससे? मेरी बात नहीं होती यार, आदमी अब जब नेक्स्ट टाइम वो वीडियो पे आएगी ना, उसके चेहरे से सभी को दिख जाएगा, वीडियो के लिए तो मना कर रहे हैं वो, क्यों आएगी, कोई नहीं, कभी तो दिखाई देगी, कभी तो। फिर प्रवीण भाई मेरे को ये लगता है कि जब तेरे पास आएगी तभी तो बस, तो फिर पॉसिबल हो सकता, बस तो फिर चेहरे से ही पता चल जाएगा आदमी। कई लोगों के ये कमेंट आ रहे थे, मैं प्रवीण प्रवीण कैमरे के सामने आ रहा है, ज्योति को भी कैमरे के सामने लेके आओ, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे कैमरे के सामने? भाई यह बात तो मैं क्यों कर बता दूं, वो क्यों नहीं आ रहे यार, क्यों नहीं आना चाह रहे, कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन, कारण तो वो ही बता सका नहीं, मैं खाम खाई के एलिगेशन लगा दो, सुमारी नहीं आना चाहते, फलाना डिकड़ा 70 बात हो है, वो कारण तो वही बताऊंगा। आजादी में कुछ भी आओ ना आओ, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। सही बात है, ये तो बात उनने के ऊपर। अच्छा एक बात और, मैंने जिस तरह ईब सुनी है, कल भी आपकी तारीख है कहीं पे? तारीख ना, वैसे FIR दे रखी है करकोदा थाने में, वहाँ पे जाना है। किस चीज की FIR दे रखी है? 13 तारीख को मार पिटाई की मैंने, 13 तारीख को मार, 13 जनवरी को कोर्ट में। अच्छा, मार पिटाई की? हाँ। फिर की थी आपने मार पिटाई? अरे भाई सारी मीडिया वाले ना थे वहाँ पे। अच्छा, तो फिर भी आपने कहा नहीं जब वो, तो जब आपे आगे जाएंगे थाने में बुलाया तो बताया मैंने, नोला बेटा कोई नहीं आना पड़ेगा, आमने सामने हो जाने, फिर लेंगे उससे भी जवाब लेंगे। आमने सामने कौन आएगा वहाँ पे? जिसने कम्प्लेन डाल रखी है। अच्छा, क्या मीडिया से? क्या वो भी नहीं, मीडिया से नहीं है, वैसे है, पूछूंगा उससे, मैं कहा भाई कब मारपीट की मैंने ये तो बता दे, और बाकी जांच करने के बाद पता चलेगा किस चीज की FIR करा रखी है। पुलिस वालों ने तो यही बताया था मेरे को, अग मार पिटाई की बोल रहे हैं वो, अग मार पिटाई की। तो अच्छा, मार पिटाई की है आपने? हाँ।